हाय माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेल, आज भी हम लोग कहीं जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव समझ लीजिए, फिर नाइट आउट समझ लीजिए, बिकॉज यहाँ पे क्रिसमस के चलते बहुत सारे लाइट शोज होते हैं, तो वी थॉट हम भी थोड़ा देख लें और लाइट शो इन्जॉय कर लें। तो चलते हैं, GPS ऑन है और लोकेशन पर पहुँच के बताते हैं कि कैसी कैसी लाइट्स हैं। सो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में। बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि हर जगह बर्फ है और लाइट शो को देख सकते हैं पीछे आप। तो लेट्स अच्छा, ये दोनों भी है मेरे साथ। बीच को इन्होंने पूरा कवर अप किया है, डबल कैप पहनाई है हमने, और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं वहाँ से, बहुत भीड़ है। देखते हैं, बहुत ठंडा हो रहा है। तो ये है वे टू द पार्क, लेट्स गो। बहुत ठंडा हो रहा है, लोग रनिंग करें। ये वैसे वैसा वाला पार्क है जहाँ बच्चे आमतौर पर खेलते ही हैं, बट अभी ये खाली है। आगे लाइट्स थोड़ा थोड़ा दिख तो रही हैं। सो कनाडा में ये विंटर्स में स्पेशली होती हैं लाइटनिंग्स एंड ऑल, क्रिसमस न्यू ईयर सारे सेलिब्रेशंस। बर्फ का अंबार। तो हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचे यहाँ पर, और आर बैड लक कि बंद है सब कुछ, मतलब एंट्री अभी बंद हो चुकी है, लास्ट एंट्री बुकड है। एंड मैंने तो अपनी जैकेट भी निकाल दी है क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ खिंचवानी थी। तो बर्फ ही बर्फ देख सकते हैं, पूरा ये कवर हुआ है पार्क बर्फ से। एंड अभी हम लौट के बुद्धू घर को जाएंगे। सो विशु को भी उठा दिया था बट हमें नहीं मिला। लाइट शो इसके पीछे है, ये देखो अंदर दिख रहा है वहाँ एंट्रेंस के बाद लाइट शो है, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और मुझे अब ठंड लग रही है यार। सो गाइस, कल की तरह मेरा इस लोकेशन पे भी पोपट हो गया, तो हम आएंगे दूसरी लोकेशन पे। ठंड लग रही है। तो उसके बाद मैंने बस फ़ोटोज़ खिंचवाई, चाहे बैक पोज में हो, चाहे बैठ के फ़ोटोज़ खिंचवाना हो बर्फ़ में, या फिर विशु के साथ फ़ोटो खिंचवाना हो। हालांकि इसने ख़राब कर दी थी, बट अब अच्छी फ़ोटोज़ में दूसरी लोकेशन पे खिंचवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।